कोई भी परिवर्तन सदैव अच्छे के लिए ही होते हैं। स्वतंत्रता के बाद ये तीसरी बार एजुकेशन पॉलिसी आई। 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो 1986 में दूसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से एजुकेशन पॉलिसी आई। परंतु स्वयं सरकार के आंकड़े हैं कि उसके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस पूरी तरह लागू नहीं हो सकी, 15% के आसपास ही उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो पॉलिसी कितनी भी अच्छी बने, परिणाम तब दिखाई देता है जब उसका वास्तव में फील्ड में धरातल पर जाकर उसका वास्तव में प्रयोग। हम लोगों का प्रयास यह है, सरकार पॉलिसी दे रही है, परंतु हम शिक्षा क्षेत्र के संगठन होने के नाते हमको ऐसा लगता है कि हमको भी सरकार की सहायता, वास्तव में सरकार जो कुछ कर रही है वो देश के लिए कर रही है, हम भी देश को शिक्षा के माध्यम से विकसित करना चाहते हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हम शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में कम से कम जहाँ तक हमारा अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ पर हम अपना कार्य करेंगे। इसलिए शिक्षा नीति के अच्छे पक्षों को समाज को बताना और क्रियान्वयन में सहयोग करना, ऐसे दो हमने अपने सामने लक्ष्य रखे हैं।